तो दोस्तों फाइनली काफ़ी टाइम के बाद विंडोज़ का नया ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका है, मतलब कि विंडोज़ 11 आ चुका है। जैसा कि कुछ दिनों पहले विंडोज़ का ये जो 11 जो वर्जन है तो ये लीक हो गया था गलती से, जिस टाइम काफ़ी सारे लोगों ने इसे डाउनलोड किया था, इस्तेमाल भी कर रहे थे। लेकिन अभी माइक्रोसॉफ्ट वाले ने ऑफिशियली इसे लॉन्च कर दिया है। किन किन डिवाइसेस में विंडोज़ 11 सपोर्ट करेगा या फिर हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, तो ये चीज़ पता करनी है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, तो वहाँ पर आर्टिकल मिल जाएगा, तो इस तरह से आप ये चीज़ पता कर सकते हो। इस वीडियो में बेसिकली हम ये जानने वाले हैं कि क्या फ़र्क है विंडोज़ 10 या फिर विंडोज़ 11 में, इन दोनों में कंपेयर करें तो क्या फ़र्क है और क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अब तक के जो भी विंडोज़ के अपडेट आया करते थे थोड़े मोड़े अच्छे रहते थे, मतलब कि ज़्यादा कुछ खास नहीं रहते थे। अगर अच्छे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो उसमें नंबर आता है विंडोज़ XP का, विंडोज़ 7 का, देन विंडोज़ 10, और उसके बाद अब तक का सबसे बेहतरीन जो विंडोज़ का अपडेट होने वाला है, मतलब विंडोज़ 11 अब तक का सबसे बेस्ट होने वाला है हर मामले में। अगर देखें तो हर मामले में ये बेस्ट होने वाला है, कैसे मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में, तो बने रहो लास्ट तक। एज यू कैन सी दिस इज विंडोज़ 11 होम स्क्रीन, और यहाँ पे कोने में आप देख सकते हो टेस्ट मोड लिखा हुआ है, मतलब ये टेस्ट मोड का वर्जन है। तो ये वाला हमने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया है और आप देख सकते हो किस तरह से पूरा इंटरफेस चेंज हो गया है, मतलब कि कोने में विंडोज़ का बटन हुआ करता था और सर्च बार एक डेडिकेटेड सा हुआ करता था और टास्क बार में ये सभी एप्लीकेशन दिखाई देती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी सब कुछ सेंटर में अलाइन कर दिया गया है और एनिमेशन वगैरह डाल के काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस देने की कोशिश की गई है इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। जब विंडोज़ ओपन किया जाता है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है जो कि स्टॉक एंड्रॉयड वाली फीलिंग आती है, मतलब कि काफ़ी साफ सुथरा देखने को मिलता है। इसके बाद अगर बात करेगी, ठीक विंडोज़ बटन के बगल में सर्च का आइकन दे दिया गया है, मतलब कि ये जो सर्च बार है उससे ये चीज़ रिप्लेस कर दी गई है, और उसके बगल में रीसेंट टैब का ऑप्शन देखने को मिलता है और साथ ही साथ उसके अंदर ही डेस्कटॉप का ऑप्शन देखने को मिलता है, डेस्कटॉप 1 या डेस्कटॉप 2 या कितने भी डेस्कटॉप आप चेंज कर सकते हो, तो वाला ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पे। और उसके बगल में न्यूज का, मतलब कि वेगेट का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें देखने मिलती है जैसे कि वेदर हो गया, मतलब अलग अलग टूल देखने मिलते हैं, साथ ही साथ न्यूज़ देखने मिलती है। तो इसके अंदर न्यूज कुछ इस तरह देखने मिलती है, जब आप कल्सर लेके जाते हो उस पोस्ट के ऊपर तो उसका जो इफेक्ट रहता है थोड़ा बदल के आता है, मतलब इफेक्ट थोड़ा चेंज रहता है, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का फील आता है इसके अंदर। और इसके बाद अगर बात करें कि फाइल मैनेजर के बारे में, तो फाइल मैनेजर में जाओगे या फिर किसी भी एप्लीकेशन में जाओगे तो वहाँ पर आपको स्प्लिट स्क्रीन, मतलब जो जैसा एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर होता है स्प्लिट स्क्रीन का फीचर, तो इसके अंदर कुछ इस तरह का दे दिया गया है, साइड ऐप का फीचर दे दिया गया है इसके अंदर। तो इस तो यहाँ पर आके आप इस तरह से कुछ आप 2 या 3 एप्लीकेशन या फिर 4 एप्लीकेशन को एक ही टाइम पे चला सकते हो, एप्लीकेशन या फिर कहे तो सॉफ्टवेयर या फिर ब्राउज़र वगैरह कुछ भी, मतलब हर एक चीज़, कोई भी चीज़ आप 2 या 3 एक ही टाइम पर एक ही स्क्रीन पर चला सकते हो, कुछ इस तरह से आप देख पा रहे हो। और ये वाली चीज़ पहले भी थी, मतलब कि विंडोज़ के साथ एरो की को प्रेस करते थे तो ये चीज़ निकल के आती थी, लेकिन अभी इन्होंने जो मैक्सिमाइज का बटन होता है उसके अंदर ही दे दिया है। जैसा कि आप जैसे ही कल्सर को लेके जाओगे और मैक्सिमाइज पर रखोगे, आपको कुछ भी क्लिक नहीं करना है, देन उसके बाद ये चीज़ निकल के आती है और उसके बाद आपको चुनना है कि 2 एप्लीकेशन आपको चलानी है या फिर 3-4, ये ऑप्शन आपको चुनना है, देन उसके बाद आप ये इजीली हैंडल कर पाओगे। तो अभी मैंने अपने लैपटॉप पे डार्क मोड को इनेबल करके रखा है, तो इसलिए जो भी एप्लीकेशन दिख रही है हमें वो डार्क मोड में दिख रही है। तो डार्क मोड को भी काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया है, हर एक एप्लीकेशन या फिर हर एक सॉफ्टवेयर के ऊपर ये चीज़ अप्लाई हो रही है। तो कुछ आप देख सकते हो डार्क मोड हर जगह पर देखने को मिल रहा है। तो इसके अलावा थीम के अंदर लाइट मोड आता है और बहुत सारे मोड आते हैं, आपको दिखाता हूँ। ऐप स्टोर को ओपन करते हैं और देखते हैं किस तरह का इंटरफेस हुआ है इसका, तो आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह का इंटरफेस हुआ है और यहाँ पर भी जो डार्क मोड का थीम होता है अप्लाई हुआ है, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो ये भी चीज़। और अभी जाके देखते हैं थीम कैसे अप्लाई की जाती है। तो मैंने राइट क्लिक किया, देन पर्सनलाइजेशन के ऊपर गया और वहाँ पर जाने के बाद थीम को चूज़ किया मैंने, तो देन उसके नीचे काफ़ी सारे थीम का ऑप्शन देखने को मिलता है, आप देख पा रहे हो लाइट और डार्क, और इसके अलावा और भी बहुत सारी थीम यहाँ पे देखने को मिलती है। आप इसे ट्राई कर सकते हो जब भी आपके लैपटॉप में ये चीज़ आ जाए।
तो दोस्तों जैसा कि मैं अभी वापस से लाइट थीम में स्विच हो चुका हूं और आप देख सकते हो जो भी यूज़र इंटरफेस है काफ़ी बदल गया है। मतलब लाइट मोड में कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने मिलता है, वो भी फटाफट से आपको मैं दिखा देता हूं किस तरह से विगेट अपने को देखने मिलते हैं। देन उसके बाद विंडोज़ का जो भी ऑप्शन देखने मिलता है किस तरह से, जैसे मैंने बताया था ना आपको स्टॉक एंड्रॉयड वाला फीलिंग, तो कुछ इसी तरह का फीलिंग आ रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों ये तो रही विंडोज़ 11 की लुक की बात कि किस तरह का देखने को मिलता है और क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं इस विंडोज़ 11 में। और इसके अलावा अगर बात करें कि इसके अंदर सिक्योरिटी किस तरह की मिलने वाली है, तो अगर सिक्योरिटी की बात करें तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ विंडोज़ 11 के अंदर प्रॉपर अपडेट भी आने वाले हैं। इसके अलावा इसके अंदर काफ़ी सारे गेमिंग को लेकर भी सुधार किए गए हैं, जैसे कि ऑटो HDR वाला फीचर लाया गया है इसके अंदर और एक्सबॉक्स वाली चीज़ें कुछ कुछ फ्यूचर में लाने की प्लानिंग है। तो इस तरह के कुछ मतलब कमाल की इनकी अप्रोच है इसी विंडोज़ 11 के साथ। और हाँ दोस्तों, विंडोज़ 11 के अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है, जैसा कि इसके अंदर जो ऐप स्टोर होता है ना, तो ऐप स्टोर के अंदर हमें कुछ मतलब एंड्रॉयड वाले ऐप्स सपोर्ट करेंगे, मतलब उन्हें हम डाउनलोड कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ बदलाव आया है इसी विंडोज़ 11 में। तो दोस्तों इसके लिए अमेज़ोन की हेल्प लेनी पड़ेगी, मतलब कि अमेज़ोन का अकाउंट काम में आएगा, फिर जाके ये सारी चीज़ें हो पाएंगी, मतलब कि एंड्रॉयड वाली चीज़ें पीसी पर भी चल पाएंगी। और विंडोज़ 10 की अगर बात करें कि विंडोज़ 10 का क्या होगा, तो विंडोज़ 10 भी अभी चलता रहेगा, उसके ऊपर भी अपडेट वगैरह मिलते रहेंगे, लेकिन उसका टाइम फिक्स हो गया है कि 2025 तक ही ये सारी चीज़ें हो पाएंगी और 2025 के बाद विंडोज़ 10 ख़त्म हो जाएगा। फिर तो जिन लोगों का पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर पुराना कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं उनको डरने की कोई बात नहीं, विंडोज़ 10 अभी भी जिंदा है, वो चलने वाला है 2025 तक, काफ़ी लंबा टाइम है, उसके बाद वो आसानी से अपना कंप्यूटर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर सकते हैं, तब तक डरने की कोई बात नहीं। तो दोस्तों बस इस वीडियो को यहाँ तक ख़त्म करते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी है तो आप हमारी वेबसाइट को फॉलो कर सकते हो www.paperandtech.in। वहाँ पर जाओगे तो आपको काफ़ी सारे आर्टिकल देखने में मिल जाएंगे, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन देखने में मिल जाएगी, न्यूज और बहुत बहुत सारी चीज़ें जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटिव रहती है, तो वो सारे कंटेंट वहाँ पे अपलोड किए जाते हैं, आप जाके उसे ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड पीस। वैसे दोस्तों मेरा नाम है वसी खान और आप लोग देखते रहो और पढ़ते रहो paperandtech.in।